हर हर शंकर, जय जय शंकर। राजस्थान में स्थित है महादेव का प्राचीन मंदिर, पांडवों ने की थी स्थापना, आज भी योगी करते हैं इसकी पूजा। पौराणिक एवं ऐतिहासिक शिव भक्तों की आस्था का केंद्र नीलकंठ महादेव मंदिर अलवा के टहला से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर दूरी पर वर्तमान में ग्राम पंचायत राजोड़गढ़ में स्थित है। यह मंदिर अलवर से दक्षिण पश्चिम को 65 किलोमीटर, जयपुर से उत्तर पूर्व 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष पूजा अर्चना का महत्व होने के कारण यहां महाशिवरात्रि पर दिन भर भक्तों का रेला उमड़ता रहता है। वह दिन भर धार्मिक अनुष्ठान एवं भगवान शिव से मनवांछित फल प्राप्ति के लिए भक्तजन भोलेनाथ का अपनी अपनी आस्था एवं सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान एवं भोले का अभिषेक कार्यक्रम करते हैं। भोले भी उन्हें उनकी साधना के अनुसार, इच्छा शक्ति अनुसार मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ दिन में पूजा अर्चना अनुष्ठान एवं प्रसादी वितरण कार्यक्रम का दौर चलता रहता है। रात्रि में महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में भजना संध्या कार्यक्रम का आयोजन रहता है, जिसमें भजन मंडलियों द्वारा संपूर्ण रात्रि भोलेनाथ की महिमा का गुणगान भजन संध्या के माध्यम से होता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहते हैं। मंदिर में विराजमान शिवलिंग पूर्ण रूप से नीलम पत्थर से निर्मित है, जिनकी ऊंचाई 4.5 फीट है। मंदिर गर्भगृह सहित नीलकंठ महादेव मंदिर गुंबद पूर्ण रूप से पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें चूना का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। मंदिर के गर्भगृह एवं गुंबदों पर दुर्लभ देवी देवताओं की मूर्तियां उकेड़ी गई थी, जो इस मंदिर में ही दुर्लभ प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। मंदिर में नृत्य अवस्था में प्रथम पूज्य देव गणेश जी की नृत्य अवस्था में प्रतिमा है, जो राजस्थान में किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ मंदिर में ऐसी कई दुर्लभ देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जो प्राचीन संस्कृति की मूर्ति कलाकृतियों एवं पाषाणों से मंदिर बना हुआ है। नीलकंठ महादेव मंदिर की पूजा अर्चना योगी नाथ संप्रदाय द्वारा की जाती है। मान्यता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी, तभी से मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योत जलती आ रही है। महाशिवरात्रि पर मेला भरता है और मेले में आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था एवं पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाती है। गाजर के हलवे के प्रसाद का वितरण किया जाता है। यहाँ शिवरात्रि पर राजस्थान के प्रत्येक जिले से एवं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव, मुंबई सहित भारत देश के कोने कोने से श्रद्धालु आकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मन वांछित फल प्राप्ति करते हैं। वैसे यहाँ श्रावण एवं भाद्र मास में भी महामेला भरता है, जिसमें भी प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में भक्तजन आकर भोले का अभिषेक करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि महाशिवरात्रि एवं श्रावण माह में मंदिर में विराजमान नीलकंठ महादेव शिवलिंग का प्राकृतिक रूप दिन में 3 प्रकार के रंग में दिखाई देता है, जो भक्तों की श्रद्धा के अनुसार होता है। कुछ इतिहासकार नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना
सन 1010 में राजा अजयपाल द्वारा करवाना भी बताते हैं। वैसे जन साधारण इसे पांडवों द्वारा निर्मित ही बताते हैं। किंवदंती है कि प्राचीन समय में यह पारानगर शहर था। पारानगर को देखते हुए यहाँ जैनों की तीर्थकार का एक मंदिर वर्तमान समय में मौजूद है। वह भगवान महावीर बुद्ध की 27 फीट की प्रतिमा आज भी देखने को मिलती है। यहाँ प्राचीन समय में मूर्ति कलाकृतियों के पाषाणों से निर्मित पारानगर के खंडरों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ पुरातत्व विभाग के कर्मचारी एवं पुलिस जाप्ता 24 घंटे तैनात रहते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर के पास उद्यान का निर्माण व भक्तों के आने जाने के लिए डामरीकृत सड़क का निर्माण हो जाए तो यहाँ पर्यटन स्थल के साथ ही श्रद्धालुओं के अलावा पर्यटन की संख्या में इजाफा हो सकता है, जिससे यहाँ के निवासियों को रोजगार के साथ साथ सरिस्का में आने वाले पर्यटकों को भी स्थल को देखने का मौका मिले। बाबा के ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।